स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे मॉक टेस्ट 8 क्लास का है ना, मॉक टेस्ट का पेपर आ गया है। तो इसमें OMR शीट भी है, मतलब किस तरह से एग्जाम होगा, पूरा पूरी एकदम एग्जाम जैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है पेपर। तो उसका सॉल्यूशन बता दे रहे हैं और किस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है वही सब तरीका भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS क्या होता है, तो ये बस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे कि सर्वे है, एक तरह से ये एग्ज़ाम है, सर्वे किया जा रहा है कि हर साल ये सर्वे होता है कि स्कूल का स्थिति क्या है, इंडिया का कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसे बच्चे हैं और क्या ज़रूरत है, पढ़ाई में कहीं पे कमी है या किस चीज़ की कमी है, तो वही सबको दूर करने के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम लेने से कुछ दूरी कुछ नहीं होगा, ये बस नाम का है। अगर आपको उतना स्कूल सुधारना है तो स्कूल जाकर देखिए ना, सरकारी स्कूल का हालत पता चल जाएगा। भेड़ बकरी जैसा बच्चा रहेगा, अरे एक दो दो टीचर रहेगा या वो ऐसे ही पढ़ाई होगा। तो आप स्कूल जा जा कर चेक करिए तो सुधार हो सकता है। एग्ज़ाम लेकर के एग्ज़ाम तो कोई भी ट्यूशन व्यूशन करके पास हो ही जाएगा, और ऐसे भी पूरा बच्चों का एग्ज़ाम नहीं ले रहे, हर स्कूल से 10 या 15 बच्चा को लेना है एग्ज़ाम। तो 10 और 15 बच्चा स्कूल वाला बुड़बक थोड़ी रहेगा कि बुड़बक को भर देगा फॉर्म, जो उस लायक है उसी को भर देगा, पास हो गए करेगा, तब वो बड़का बड़का भाषण करेगा कि हमारा रहते हमारा देश का स्कूल बहुत अच्छा है, इतना नंबर आ गया सबका पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन आप जब धरातल पे जाकर देखिएगा तब पता चलेगा। तो ये एग्ज़ाम का कोनो हाथ पैर नहीं, बेकार का एग्ज़ाम हमको लगता है। लेकिन जानकारी के लिए इसमें क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बढ़िया आता है, इसलिए आप देख लीजिए, है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा रहेगा, है ना, इसलिए देख लीजिएगा। और ले रहा है एग्ज़ाम तो दे दीजिए, लेकिन जो मकसद से जिस मकसद से ले रहा है वो मकसद यहाँ पे पूरा नहीं होगा, हमको पूरा यकीन है नहीं होता है पूरा। काहे कि आप स्कूल का हालत देख जानते ही होंगे, आप जैसे भी स्कूल पढ़ते होंगे, है ना, क्या स्थिति रहता है सरकारी स्कूल का, तो वही स्थिति को सुधारने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे हम नहीं सुधरेगा, काहे कि सब तो पासे हो जाएगा यहाँ, इसलिए हमको लगता है जानबूझ के फेल होइए तब पता चलेगा स्कूल का क्या स्थिति है। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कैसे भरना, देखिए क्वेश्चन पूरा इसी तरह से रहेगा, ठीक है। यूडाइस कोड यहाँ पे लिखना है, मीडियम इंस्ट्रक्शन यानी हिंदी इंग्लिश क्या है उसको लिखना है, एरिया कोड यहाँ लिखना है, यहाँ रूलर है कि अरबान है, रूलर माने देहातिया है कि शहरी है उसको लिखना है, आधार नंबर यहाँ लिखना है, फिर गवर्नमेंट स्कूल है या एडेड गवर्नमेंट एडेड स्कूल है आपका उसको लिखना है यहाँ पर, और लड़का के लिए टिक लगाना है, SC ST OBC क्या है उसको लिखना है, और यहाँ पे चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड के साथ है क्या तो उसको लिखना है, कुछ परेशानी वैसा कुछ होगा तो, विकलांग है या कुछ है ये है तो सबको, स्कूल नाम वो स्टूडेंट नाम यहाँ, स्कूल नाम यहाँ, डिस्ट्रिक्ट नाम यहाँ, स्टेट नाम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएगा 8वीं क्लास, देख रहे हैं। चलिए पहला में हिंदी का क्वेश्चन है कि आप बस में यात्रा कर रहे हैं और दिशा भटक गए, आप दिशा प्राप्त करने के लिए कौन सी वस्तु उपयोग करेंगे, हिंदी नहीं माने कौन में अंदाजित क्वेश्चन होगा, है ना, ये तो साइंस का क्वेश्चन लग रहा है शुरू शुरू, है ना। तो दिशा भटक गए तो किसका उपयोग करेंगे बाबू, चुंबक कंपास, क्योंकि ये दिशा दिखाता है, ठीक है। कांच हवा पानी में हमें आर पार दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें इनमें कांच हो या हवा हो या पानी उसमें आर पार दिखता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण उसमें पार हो जाता है, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। लता की खेत की मेड़ पर पौधे लगे हैं, लेकिन राजू के खेत के मेड़ पर पौधे नहीं लगे हैं, मिट्टी का अपरदन होगा, किसके खेत में मिट्टी का अपरदन होगा उसको बताना है। तो लता के खेत में मिट्टी का अधिक अपरदन होगा, गलत बात, लता के मेड़ में यानी आर में जो पेड़ का रहता, खेत का जो रहता किनारा, आयर जिसको बोलते हैं देहात में, तो उसमें पेड़ लगा है तो उसका मिट्टी नहीं कटेगा जल्दी, है ना, अपरदन माने कटना मिट्टी, पेड़ लगा हो तो मिट्टी नहीं कटेगा जल्दी, तो पहला ऑप्शन गलत है। लता के खेत में कम अपरदन होगा, तो ये सही हो सकता है, लता के पेड़ में जो है कम अपरदन होगा, कम कटा होगा मिट्टी का, राजू के खेत में अधिक अपरदन होगा, सही बात है, इसका खेत में का है पौधा नहीं है तो अधिक अपरदन होगा, ठीक। तो दो को ऑप्शन सही लग रहा है, का कोई ऐसा कर दिया है, दो को ऑप्शन सही है बाबू इसमें, हैं, देखिए राजू के खेत में अधिक अपरदन होगा तो जाहिर सी बात है लता का कम होगा, तो दोनों तो सही है, इसमें अधिक इसमें कम, तो दोनों आंसर सही है, पता नहीं यही अगर एग्जाम आ जाएगा तो किसको टिक लगाइएगा, लगा दीजिएगा किसी को भी। महेश को चावल की खेती के लिए जमीन खरीदना है, किसी कैसी मिट्टी वाला खेत खरीदना अच्छा होगा, चावल की खेती के लिए चिकनी मिट्टी वाला खेत, है ना, जिस खेत में चिकनी मिट्टी हो, चाहे कि चावल खेती उसी में ज़्यादा बढ़िया होता है,
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादन नहीं होगा? राइबोसोम अगर नहीं रहे कोशिका में तो क्या कौन सा काम नहीं होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संदीप एक सफ़ेद कपड़े के टुकड़े में हल्दी लगाता है, फिर उसमें साबुन के घोल के कुछ बूंदे डालता है, कपड़ा लाल हो जाता है। संदीप द्वारा किया गया प्रयोग पदार्थ के किस गुणधर्म को जांचने का उपयोग के लिए उपयोगी है? तो ये जो गुणधर्म किया वो अम्ल और क्षारक के कारण ऐसा हो रहा है ना, जैसे कहीं पे मसाला लगल है, हल्दी लगल है, तो उसमें साबुन लगाइएगा तो लाल हो जाता है, क्योंकि हल्दी साबुन में क्या होता है, क्षारक होता है, क्षारक हल्दी लगने पर हल्दी से अभिक्रिया करके लाल कर देता है वो, है ना। तो अम्लीय क्षारक का गुण है ये। कोशिका की को आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं बाबू, है ना। दिवाली में तो मित्र को फटाका फोड़ना है, आप उसे कौन सी वस्त्र पहन कर फटाका फोड़ने कहेंगे? तो कौन सा वस्त्र में फटाका, तो सूती कपड़ा पहन के, है ना। पोलिस्टर पहन के करेंगे तो आग लगने का खतरा है, इसलिए कहेंगे हम उसको कि बबुआ सूती कपड़ा पहन ले, ठीक है। अरे का है कोई सा होता, हाँ सूती कपड़ा पहनने को कहेंगे बाबू, है ना, सूती कपड़ा। कार्बन का संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता 4 है ना। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे 8 नंबर का बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा है ना, 8 क्लास का है, लेकिन खतरनाक क्वेश्चन है। सही से नहीं पढ़ाई होता होगा तो ये सब जमीन नहीं कुछ दिमाग में धंसता होगा का है ना। दहन के लिए क्या आवश्यक है? अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको मैथ और साइंस, खैर पुराने जो है तो जान ही रहे हैं, लेकिन शायद कोई नया भी देख रहे होंगे, ये कहे कि ये तो टेस्ट वाला है, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये बुक तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैथ साइंस और सोशल साइंस में अभी स्टार्ट कर दिए हैं, क्लास 6 to 10 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 10 का ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10 का भी छोड़ दिया, अगला सेशन से फिर से पढ़ाएंगे, आधा लगभग हुआ है, लेकिन 6 to 8, 9 पूरा कंप्लीट मैथ और साइंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी सोशल साइंस भी 8 क्लास का और बाकी क्लास का स्टार्ट किए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि हम इसी तरह आपको हर क्लास का वीडियो देते रहें, खास करके झारखंड बोर्ड का, है ना। झारखंड बोर्ड स्पेशल, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट, हर मेन सब्जेक्ट जो है, जिसको ट्यूशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो ट्यूशन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हर वीडियो मिल जाएगा, हर क्लास पूरी तरह से, हर बुक का, हर क्लास का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब क्लास मिल जाएगा, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। दहन के लिए क्या आवश्यक है? देखिए दहन के लिए, जलाने के लिए कोई चीज़ को, ईंधन, ऑक्सीजन और आग, तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन में आती है, विज्ञान था ये, सामाजिक विज्ञान है। ऋतु परिवर्तन के मुख्य प्रमुख कारण कौन सा? ऋतु माने मौसम बदलता है, उसका कौन सा कारण है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण से ऋतु बदलते हैं। पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? तो ओजोन गैस करता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह। जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको वर्षा बोलते हैं ना, बारिश। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो उसको नीफे कहते हैं, जहाँ पर नीचे लुकल रहता है। जिस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन अल्पाहार प्रदान किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह कहलाता है प्रवासी, प्रवासी कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रवासी मजदूर दूसरे देश में जाकर काम करने वाला है ना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो रानी दुर्गावती अकबर के समय थी, है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है बाबू, है ना। उसके बाद गणित आ जाता है, चलिए गणित को तो थोड़ा बनाना होगा, तो चलिए यहीं पे बना दे रहे हैं। किस त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 60 अंश यानी 60 डिग्री और 50 डिग्री है? तो तीसरा कोण का माप कितना होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है बाबू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री है तो दो दिया हुआ है, एगो 60 एगो 50, तो 60 और 50 कितना हो गया? 110। तो 180 में 110 तो दो मिल के हो गया, यानी 110 घटा दीजिए तो 0 7 1 8 70 डिग्री हो जाएगा तीसरा कोण, ठीक है। आरवास क्योंकि तीनों को जोड़ने से 180 होनी चाहिए, दो को जोड़ के 110 हो रहा है, यानी अगला 70 हो गया अगला, है ना, तो 70 आंसर हो गया। इनमें से कौन सा कथन गलत है? 5 का घन 125 होता है, घन माने क्यूब, तो 5 का घन करके देखिए क्यूब यानी 5 × 5 × 5, तो 5 × 25 हो गया, गुना 5 × 25 = 125, तो पहले तो ठीक है, 5 × 25 5 × 10 = 12 125, ये तो ठीक है, गलत को छांटना है, है ना, तो ये गलत को नहीं है। 25 का वर्गमूल, वर्गमूल माने रूट अंडर, 25 का रूट तोड़ेंगे तो किस में आएगा? तो 5 × 25 5 में आएगा, तो 5 है, सही बात ये भी है।
अगला है सात का घन 27 होता है, नौ का घन, तो नौ का घन देखिए तो 27 नहीं होगा। नौ का घन माने क्या है, नौ गुना नौ गुना नौ, तो नवे नवे 81 दुई बार में होगा, तो 27 से कैसे होगा, तो ये गलत है। तो कौन गलत, ये छापना था, तो ये गलत, स नंबर। यदि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो इसकी क्षेत्रफल याद कीजिए, वर्ग का परिमाप दिया हुआ वो 100 मीटर, ठीक है, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है चार गुना भुजा, क्या होता है बाबू, चार गुना भुजा, तो 100 हो गया, तो हम पहले भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 100 चार गुना में, तो इधर आगे भाग में 100 को 4 से भाग दीजिए, 25 24 100, तो 25 भुजा हो गया। उसके बाद बोला है इसका क्षेत्रफल अब निकाल, तो क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला वो होता है भुजा गुना भुजा, क्या होता है बाबू, भुजा गुना भुजा, तो भुजा गुना भुजा यानी भुजा आया 25, तो 25 गुना 25, 25 को 25 से गुना करिएगा तो 625 होगा, गुना कर लीजिएगा यानी 625 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल दिया हुआ आयत का है ना, तो लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई निकालिए, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ है यानी क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर, ठीक है, तो लंबाई देखिए 12 दिया हो, तो लंबाई की जगह लिख देंगे 12, चौड़ाई नहीं है तो छोड़िए चौड़ाई को, बराबर 108 है, ठीक है 108। अब देखिए चौड़ाई को छोड़िए, निकालना है चौड़ाई रहने दीजिए, बराबर इधर 108 और ये गुना में 12 इधर भाग हो जाएगा, 108 को 12 से भाग दीजिएगा तो 12 नवा 108 होता है, तो 9 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं, एक सप्ताह में कितना, एक दिन में कितना घंटा, 48 घंटा, तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन में कई घंटा होगा, तो 7 चौके 28, 7 14 15 16, ठीक है, तो सॉल्यूशन भी बताते चल रहे हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहे, इस जैसा क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, तो तरीका बनाने के जानिएगा तब ना, इसका आंसर ओवर रटने से कोई फायदा नहीं, इसलिए बना भी दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। श्याम की माँ की आयु श्याम की आयु से 5 गुनी है से 3 वर्ष है अधिक है, 5 गुनी से 3 वर्ष, यदि श्याम की आयु 100 वर्ष है तो उसकी माँ की आयु को निम्न में किससे दर्शाएंगे, तो अगर 100 है श्याम की आयु तो क्या बोला, उसका माँ को कैसे दर्शाएंगे उसकी आयु को, तो श्याम की आयु से 5 गुना उसकी माँ का आयु है, तो श्याम का आयु अगर 100 है तो 5 गुना 100 हो गया, 5 गुना 100 से 3 वर्ष बेसी, तो 5 गुना 100 प्लस 3 हो जाएगा उसका माँ का आयु, क्या बोला 5 वर्ष 5 गुना से 3 वर्ष, तो बेटवा का 100 वर्ष मान लीजिए तो 5 गुना का है तो 5 गुना कर दिए तो 5x हुआ, ये 5x और उससे 3 अधिक, 3 अधिक माने जोड़ 3, तो 5x प्लस 3, ये आंसर सही होगा द नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंचभुज के में उनके विकर्णों द्वारा कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो पंचभुज का विकर्ण से कै गो त्रिभुज बनता है, ये रहा पंचभुज का विकर्ण, तो विकर्ण ये विकर्ण हुआ एक त्रिभुज बना, एक ये विकर्ण, तो दो त्रिभुज इधर एक त्रिभुज बना ना, एक यहाँ से विकर्ण बना सकते हैं, इधर त्रिभुज हुआ एक ऊपर में देखिए त्रिभुज हुआ, तो 1 2 3 4 4 को तो ऐसे हो गया, यहाँ पे यहाँ इस विकर्ण से एक बनेगा 5 5 हो गया, और कहाँ कहाँ से, यहाँ से एक बनेगा 6 है, तो हमको लगता है 6 को बनेगा, यहाँ पे 3 4 और 2 का ऑप्शन है, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए y + 8 = 6 और तो y का मान निकालना, तो y बराबर क्या होगा बाबू, +8 उधर जाकर हो जाएगा -8, तो 8 में 6 घटा हुआ तो -2 आंसर, तो -2 यहाँ पे है। किसी त्रिभुज पर अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो न्यून कोण 3 को हो सकता है, 3 × 3 न्यून यानी 90 से कम हो सकता है, 3 × 3 60 हो सकता है, 6 × 6 = 18, 180 होना चाहिए, 3 मिला के तो 60 हो सकता है, ठीक है। चलिए इतना मोटा कैसे हो गया, अरे ये ज्यादा पतला हो गया, ठीक। चलिए अगला, इनमें से कौन त्रिभुज आकृति यानी 3D आकृति है, तो आयत 3D आकृति नहीं है, अच्छा 3D आकृति नहीं है कौन पूछा, तो आयत नहीं है 3D आकृति, पहला आंसर सही होगा, बेलन 3D है, गोला 3D है, शंकु भी 3D है, ठीक है। 30 क्वेश्चन अब हिंदी में आते हैं, चलिए हिंदी में क्वेश्चन है,
इनमें में भाववाचक संज्ञा को छांटे, भाव यानी जिससे भाव का पता चल रहा है। तो भाव का पता देखिए ईमानदारी से पर इन ईमानदारी भाववाचक है। प्रस्थान का विलोम क्या होगा, प्रस्थान का आगमन होगा, प्रस्थान मैंने जाना, आगमन मैंने आना, उसका उल्टा हो गया। अवनी शब्द के दो पर्यायवाची, अब अवनी पृथ्वी को कहते धर, ये इधर उधर कैसे हो गया, थोड़ा उल्टा आगमन होगा, ठीक है। उसके बाद अवनी शब्द का दो पर्यायवाची धरती और धरा होगा ये, ठीक है। उसके बाद निम्न में अनुनासिक शब्द कौन है, अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु आता है उसको बोलते कुआं है, ठीक है। दूर उपसर्ग का उपयोग किस शब्द में हुआ है, तो दूर उपयोग हुआ है दुर्गम में, इसमें ये आंसर होगा, ठीक है। जो भुलाया ना जैसे कि वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए, जो भुलाया ना जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, अविस्मरणीय, ठीक है, जिसको नहीं भुला सकते हैं। उसके बाद अगला है निम्न में से महोत्सव का संधि विच्छेद, तो महा जोड़ उत्सव महोत्सव होता है, ठीक है। निम्न में योजक चिन्ह वाले शब्द, योजक यानी इसे ज्वाइंट वाला चिन्ह, योजक कड़ी बोलते हैं ना, जोड़ लाभ हानि बीच में योजक कड़ी है, योजक चिन्ह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति होता है, रति। और सगे संबंधी और मित्रों के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, उसके बाद ये देखिए इस तरह का आपको रहेगा ओएमआर शीट, उसमें एग्जाम देना है। ओएमआर शीट थोड़ा सा बता दे कैसे भरना है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्कूल नाम और एड्रेस, ठीक है। यूडाइस कोड यहाँ भरिएगा, यहाँ सेक्शन, यहाँ स्कूल आईडी, तो खैर वहाँ पे टीचर बता ही देगा कैसे भरना है। हम यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे कि इसको रंगना कैसे है, ठीक है। जैसे ये आधार नंबर है, यहाँ पे आधार नंबर भरना है, आधार नंबर मान चलिए 1 2 3 4 5 6 0 7 5 कुछ हो रहा है इसे, है ना, कुछ हो रहा है। रंगना कैसे, जैसे पहला में एक है तो पहला इस लाइन में एक खोजिए तो इसको रंगना है, दूसरा में दो है तो दो इसको रंगना है, तीसरा में तीन है तो ये तीसरा लाइन में रंगाएगा, चौथा में चार है तो ये चौथा लाइन में रंगाएगा, पाँचवा में पाँच है तो ये पाँचवा में रंगाएगा, छठा में छः है तो ये छः रंगाएगा उस लाइन में, फिर जीरो है तो जीरो रंगाएगा इस, यहाँ सात है फिर तो सात रंगाएगा यहाँ उसी लाइन में, यहाँ पाँच है फिर तो ये पाँच रंगाएगा, फिर आठ है तो आठ रंगाएगा, फिर अगला में यहाँ चार है तो इस लाइन में चार रंगाएगा, फिर यहाँ भी चार रहेगा तो यहाँ भी चार, इस तरह से रंगना है, ठीक है। बाकी सब बता देगा वहाँ पे कि क्या क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ करना है, जैसे पहला ऑप्शन का अगर ए नंबर सही है तो इसको रंगना है, ए को रंगिए, दूसरा में चौथा सही है तो चौथा रंगिए, तीसरा में तीसरा सही है तो तीसरा रंगिए, ठीक है। रंगना बढ़िया से है, ठीक है। हम तो स्क्रीन में रंग रहे तो क्लियर नहीं समझ पता चल रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं रंगना कैसे, एक भी गैप नहीं छोड़ना है अंदर में, ठीक है, पूरी तरह से रंग देना है। जैसे इसको रंग रहे ये पूरी तरह से पेन से इसको कवर कर देना है और बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। ये थोड़ा बाहर हो जा रहा है क्योंकि स्क्रीन है ना मेरा, घसक जा रहा है स्क्रीन में इधर तो फिसल है ना, हम तो कॉपी में नहीं कर रहे, ये इस तरह से रंगना है, ठीक है। तो चलिए मुझे समझ में आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग। नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।